पंजाब सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ऑपरेशन बालाकोट और रफाल डील के मसले को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करते हुए कहा कि विश्व के सबसे बड़े रक्षा सौदे की फाइल खो गई। खुफिया तंत्र की नाकामी की वजह से 40 जवान शहीद हो गए। 1708 आतंकी घटनाएं हो चुकी है। हमारे पास 48 सैटेलाइट है, फिर भी सरकार यह पता नहीं लगा पा रही है कि कहाँ पेड़ है और कहाँ इमारत। ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर बेहद गंभीर खतरा है। इससे पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू ऑपरेशन बालाकोट को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोल चुके हैं। बुधवार को एक ट्वीट कर पीएम मोदी और उनकी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत पर सियासत करके चुनाव नहीं जीत पाओगे। साथ ही सिद्धू ने पीएम मोदी से मारे गए आतंकियों की संख्या को लेकर भी सवाल पूछा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 40 जवान शहीद हुए, कितने आतंकी मरे, 56 इंच का सीना कहाँ गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने मोदी सरकार को लेकर एक शायरी भी लिखी है। उन्होंने लिखा कि तामील का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती, तुम्हारी नियत में खराबी है। इससे पहले मारे गए आतंकियों की संख्या को लेकर अब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सवाल उठाए थे। यह विवाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के उस बयान के बाद ज़्यादा हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना ने 250 आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कई मीडिया रिपोर्ट्स की प्रिंट स्क्रीन शेयर करते हुए ट्वीट किया था। केंद्रीय मंत्री एस आहलूवालिया के बयान पर निशाना साधते हुए सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मकसद क्या था, क्या आतंकियों को मारने गए थे या पेड़ उखाड़ने, क्या यह चुनावी हथखड़ा था। इसके अलावा एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या पर सिद्धू ने लिखा है 300 आतंकी ढेर हुए हैं, हाँ या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा था कि सेना का राजनीतिकरण बंद किया जाए।